नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल माई शो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिसिज कौशिक की पांच बहुए शो के बारे में और जानें कि आखिर ये शो बंद क्यों हो गया था। यह एक भारतीय धारावाहिक शो था। इस शो के कुल 437 एपिसोड्स GTV चैनल पर टेलीकास्ट किए गए थे। इस शो का पहला एपिसोड 20 जून 2011 को आया था और आखिरी एपिसोड 15 मार्च 2013 को आया था। इस शो की कहानी की बात करें तो इस शो की कहानी एक उच्च मध्यवर्गीय राजस्थानी संयुक्त कौशिक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। शो में बिंदेश्वरी कौशिक अपने पति और उसके पांच बेटों तथा उनकी चार बहुओं के साथ रहती है तथा कार्तिक बिंदेश्वरी कौशिक का सबसे प्यारा बेटा है और वह लवली नामक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, जिसके बाद कार्तिक लवली से शादी कर लेता है और बिंदेश्वरी कौशिक की पाँच बहुएँ हो जाती हैं। शो की कहानी कौशिक परिवार पर चलती रहती है। इस शो की कास्ट की बात करें तो इस शो में मुकुल हरीश ने कार्तिक का रोल किया है, विभा चिंबर ने बिंदेश्वरी कौशिक का और पहले रागनी नंदवानी ने और बाद में विंध्या तिवारी ने लवली का रोल किया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये शो बंद क्यों हो गया था। इस शो की स्टोरी लाइन को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। शो लगभग 1.5 साल से भी अधिक समय तक चला था, पर शो को अचानक से बंद कर दिया गया था। शो के बंद होने का कोई मेन कारण नहीं था, पर उस समय शो की TRP कुछ हद तक कम आ रही थी और GTV बहुत सारे नए नए शोज को लॉन्च कर रहा था, इसलिए उसे कुछ शोज को बंद करना पड़ रहा था। इसलिए उस समय GTV ने मिसिज कौशिक की पांच बहुए शो को बंद कर दिया था। इस शो के बंद होने का कारण इस शो की लो TRP था। अगर आप इस शो के सभी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप G5 ऐप और GTV के ऑफिशियल YouTube चैनल GTV पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने ये शो देखा है? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं।